धन्यवाद किशोर जी। आज बिहार के पावन धरती पे पिछले 10 दिनों से चलता आ रहा फुटबॉल टूर्नामेंट के सफल फाइनल मुकाबले में अपने बीच उपस्थित जिला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती निर्मला देवी जी, जेवीकेएस के नेता मनोज यादव जी, कृष्णा यादव जी, रविशंकर यादव जी, स्थानीय मुखिया सविता जी, अपने पंचायत समिति सदस्य बलराम जी, वासुदेव जी, संजय जी, परमानंद जी, स्थानीय मुखिया सुमंती देवी जी, भोला जी, जो स्थानीय कमेटी यहाँ की जो बिहारों के युवाओं के द्वारा पूरा कार्यक्रम किया गया, मैच कराया गया, आदरणीय सुभाष जी, बंसीलाल जी, भोला जी, रवि जी, प्रमोद जी, हरिकरण जी, रंजीत जी, सीताराम जी, थानेश्वर जी, उमाशंकर जी, रमेश जी, सुनील जी, कुलदीप जी, पवन जी, ज्ञानंद जी, सहदेव जी, महेश जी और बिहार के समस्त युवा साथीगण। और आज जो दोनों टीम जो फाइनल मुकाबला खेली, चिलोनी की टीम और अपना क्लब, मैं इस सफल मुकाबले के लिए स्थानीय कमेटी को, बिहारों के युवा साथियों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। दोस्तों, आपकी मेहनत लगातार 10 दिनों तक आपने स्थानीय युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया, स्थानीय युवाओं को अपने प्रतिभा को निखारने का अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया। और इस खेल के माध्यम से आपने देखा कि इसमें सिर्फ कोडरमा जिला नहीं, सिर्फ जयनगर जिला प्रखंड नहीं, बल्कि हजारीबाग जिले से, गिरिडीह जिले से, कोडरमा जिले के तमाम गांव से आपके गांव में सभी प्रतिभागी यहां पे पहुंचे और सभी ने अच्छे माहौल में फुटबॉल का आनंद लिया, फुटबॉल खेला और अपनी प्रतिभा को निश्चित रूप से दिखाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आप हमेशा ऐसा टूर्नामेंट कराएं, इससे भी बड़ा टूर्नामेंट कराएं, ताकि हमारे क्षेत्र के जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको मौका मिले और अच्छा करने का प्रयास करें। जयनगर पूरे राज्य में, जयनगर का नाम शिक्षा के हब से जाना जाता है, शिक्षा जगत के नाम से जाना जाता है। चाहे चंदवारा से आप बिजली विद्यालय सैनिक स्कूल से उठाएं, चाहे जयनगर स्कूल जाएं, चाहे आप बघमारा जाए, रुपाइनी जाए, तेतरौल जाए, परसाबाद जाए, इतना सीबीएसई पैटर्न से कहीं विद्यालय नहीं जितना हमारे जयनगर प्रखंड में, सिर्फ चंदवारा प्रखंड में, उतना झुमरी तिलैयर कोडरमा में भी नहीं है। लेकिन हम लोगों का इच्छा होता था कि हमारे बच्चे बीडीओ बनते हैं, सीओ बनते हैं, दरोगा बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, कोई यूपीएससी सफल नहीं होता था, आईएएस और आईपीएस नहीं बनता था, लेकिन पिछला रिजल्ट में हमारे क्षेत्र के युवा आईपीएस भी बने और यूपीएससी भी रिजल्ट निकाले। तो आज जो युवा सारे गांव में, सारे मोहल्ले में, सारे कस्बे में जो आयोजन करता है, यही उनका मंसूबा रहता है कि हमारा ग्राउंड में खेला हुआ बच्चा, हमारे क्षेत्र का कोई बच्चा देश का प्रतिनिधित्व करे, राज्य का प्रतिनिधित्व करे, तब इस क्षेत्र में ये फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच का सपना साकार हो पाएगा। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़े, आपको हमेशा हमारा सहयोग मिलेगा, हमारे बच्चे अच्छा करें, यही मैं शुभकामना आप सबको देना चाहता हूँ। आज मनोज जी हमारे आए हैं क्षेत्र में, सड़क के बारे में इनको, इनकी चिंता स्वाभाविक है और किसी को भी स्वाभाविक है। मनोज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आप, हमें नहीं लगता कि इसके पहले आप कभी इधर आए होंगे, जब मैं यहाँ विधायक बना तो सबसे पहले ये सड़क को हमने बनवाया, चाहे चहल चंद्रपुर का सड़क हो, चाहे बिहारों का सड़क हो, चाहे किसान सुगा साग का सड़क हो, महेश मराय का सड़क हो, इसके पहले ये सारी सड़कें बनती, कभी नहीं बना था। संजोग से ये रोड खराब हो गया, चूंकि आरियो का जो कोड था वो आरियो के रोड से बना और रोड सफल नहीं हो पाया, रोड खराब हो गया, लेकिन
मैं जैसे विधायक बनार चुनाव में आया था, मैं कहा था सभी लोगों से कि जब मैं हार गया तो पिछले 5 सालों तक ये क्षेत्र विकास से विहीन रहा, कोई भी विकास के कार्य नहीं हुआ। कोई बता दे चहल में, चंद्रपुर में, चाहे बिहार और कुशान सुगसक में एक पीसीसी तक का काम नहीं हुआ। आज मैं फिर विधायक बना है तो फिर से मैं इस रोड को बनाने जा रहा हूँ। और ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि ये रोड PWD के कोड से बनेगा, आरईओ जैसा रोड नहीं बनेगा जैसे पहले रोड था। सो आज थूक पॉलिश का काम नहीं होगा, ये रोड पूरा रोड को उखाड़ा जाएगा, जेएसपी का पहले काम होगा, इसके बाद जेएसपी के बाद पूरा उसका लेयर आएगा, इसके बाद 2 लेयर में उसका पिच होता है जैसे PWD का रोड में होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ इस क्षेत्र को, इस रोड में कितना ट्रैक्टर चलता है, कितना भारी भारी गाड़ी चलता है। अगर आरईओ का पतला रोड बनेगा तो कभी ये रोड सक्सेस नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोगों ने जानबूझ करके इसको PWD के कोड में रोड को हम लोगों ने पास किया है, ताकि ये रोड बनने के बाद कभी दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े, बार बार खराब नहीं हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चूंकि टेंडर कैंसिल हो गया, नहीं तो मैं अभी शिलान्यास करता और ये काम भी प्रारंभ हो जाता, लेकिन सरकार के जो सुस्तापन है, सरकार इतनी धीमी गति से चल रही है, इसके कारण टेंडर फाइनल नहीं हो पाया, री टेंडर हो गया। आप टेंडर देखे होंगे तो देखे होंगे पुनः निविदा हुआ है, और मुझे लगता है कि दिवाली के बाद इस रोड का शिलान्यास होगा, रोड का काम भी प्रारंभ होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं पिछले बार जब विधायक बना तो मैंने जितना भी रोड बना गिनाया वो सारा बना, लेकिन पिछला बार जब मैं हार गया तो एक भी रोड गिनाने के लिए पूरे जयनगर प्रखंड में नहीं है। कोई कह सकता है कि मैं जयनगर में रोड बनाया, कोई ऐसा कोई सड़क नहीं है। लेकिन आज गैड़ा चंदवारा का रोड आप जाके देख सकते हैं, पिपराड़ी का रोड कैसा बना। आप रविशंकर जी बैठे हुए, उनका गांधी स्कूल का रोड जाकर देख सकते हैं, रोड कैसा बना। उन्हीं के यहाँ अभी हाल में हम लोगों ने 2 पुल बनवाया। और कृष्णा जी को बता देना चाहता हूँ कि आप अपना विधानसभा क्षेत्र से मत आया कीजिए मेरे क्षेत्र में, आप मेरे विधानसभा क्षेत्र से आया आइए। जो रोड फिर से बनने जा रहा है, छोटकी धमराई से होते हुए पिंडारो तक जो रोड बनने वाला है, कांको तक, उस रोड से आप आया कीजिए, निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में आके रोड देखिएगा कैसा आपको रोड मिलेगा। आज हिरोड़ी से लेकर के महसमरा होते हुए कुशान का रोड, बिहारो का रोड, रेबनाडी फाटक से लेकर के सुगासाक तक रोड, कुशान से रोड, आज गोपालडी जो आपका यहाँ पे है, जो ब्लॉक जाने में आपको कठिनाई होती है, गोपालडी में भी पुल बनने वाला है। थाना से लेकर के हाई स्कूल तक का रोड बनने वाला है। जो जयनगर से लेकर के शर्माटन का रोड जो खराब हो चुका है, वो भी रोड बनने वाला है, आप देखने का विषय है। उसी सुगा शाखा भी पुल हो गया है, सुगा शाखा भी पुल हो गया, आप लोग सब देखे होंगे, वहां पे जाके बोरिंग वोरिंग करके वहां पे एस्टिमेट भी बन गया, सब आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं भूल गया ऐसा बात नहीं कि छूट गया, ऐसा बात नहीं है, आप खुद भी देखे हुए। लेकिन अभी हमारे साथ एक और समस्या हो गया कि दूधी नदी में एक हमारा पुल है, पुराना पुल था, जो काकू से लेकर के तिलैया डैम जाता था, वो बरसात में वो पुल इस बार फंस गया और वहां पे आवागमन बंद हो गया। इसलिए सबसे पहले मैं इस रोड को ब्रेक करके मैं सबसे पहले उस पुल को बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेन रोड में वो पुल पड़ता है और उससे बहुत ही बाधित हो गया पूरा सड़क। इसलिए इसके बाद तुरंत त्योहारों का सिलसिला खत्म होने के बाद उसका भी काम प्रारंभ होगा। उसी प्रकार आप पूर्व साइड में आप चले जाइए, चाहे खरियोड़ी हो, चाहे खरपुका हो, चाहे बेरोगाय हो, चाहे तेलुकरी हो, चाहे गड़गी हो, चाहे बदुलिया हो, जो भी सड़क हो, आप सारे रोड को देखे होंगे बनता हुआ दिखता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस भाव से निर्दलीय के रूप में आप लोगों ने जिताया, हम लोगों ने भी कभी नहीं सोचा था कि निर्दलीय के रूप में हम लोग इतना विकास कर पाएंगे। बहुत लोगों को हम लोगों ने देखा जो दूसरे दल से जीत करके पलटू करके दूसरा पार्टी में गया कि हम विकास करने के लिए पार्टी में बदले हैं। क्या विकास हुआ, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, विकास क्षेत्र का नहीं हुआ, विकास सिर्फ व्यक्ति का हुआ। आज निर्दलीय के रूप में भी किसी पार्टी का साथ नहीं होने के बाद भी आप क्षेत्र का विकास देख सकते हैं और आप तुलना कर सकते हैं। जो हम लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी बातों के साथ मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ एक बात और, क्योंकि इधर पिछले समय गर्मी का मौसम चल रहा था, इसके बाद त्योहार और बरसात के कारण
काफी ट्रांसफार्मर।